Morning students, now today we are going to factorize this cubic polynomial. Now you have to follow some steps. Now step number one is identify the constant term from this cubic polynomial. Now which is the constant term? -120 is the constant term. Why it is called constant term? Because there is no variable in this term. So identify the constant term and write its all possible factors, all possible. Okay, now you know 1 is factor of each and every number, so plus minus 1 is are its factors. Next, this 120 is divisible by 2, so plus minus 2, it is its another factor. Then similarly plus minus 3, next plus minus 4, plus minus 5, plus minus 6. Now plus minus 7 nahi hoga because 120 is not divisible by 7. So next factor plus minus 8, then plus minus 10, then I think plus minus 12, plus minus 15, plus minus 20, plus minus 24, and plus minus 30, and last plus minus 60. तो ये सभी 120 के negative 120 के factors हो गए. ये हो गए step number 1. अभी step number 2 क्या है? अभी आपको identify करना है कि ये जो factors है इसमें से कौन सा factor इस polynomial का 0 है. 0 आप जानते हैं 0 क्या होता है. तो ये identify करने के लिए हमें एक एक factor लेना पड़ेगा. For example हम लेंगे first factor x is equal to -1. Now we want to identify whether negative 1 is a 0 of this cubic polynomial. तो इसके लिए हमें इस cubic polynomial में x के जगह negative 1 रखना पड़ेगा. Okay, then solve this cubic polynomial. So negative 1 cube minus 23 into negative 1 square plus 142 into negative 1 minus 120 is equal to negative 1 cube. Negative 1 ही आता है. ये 1 होगा, ये होगा negative 23. इसका multiplication होगा negative 142 and last में 120. अभी इसका जो भी answer आएगा वो नेगेटिव सम नंबर होगा लेकिन नॉट इक्वल टू 0 होगा. और आप जानते हैं पी ऑफ नेगेटिव 1 क्या है? ये है रिमाइंडर. अभी अगर रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ x. रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम. ओके, अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट फैक्टर ट्राई करेंगे, फिर निकालेंगे हम p ऑफ 1, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे 0 आता है कि नहीं. अगर आता है तो x माइनस 1 ये फैक्टर होगा, और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे 2, फिर नेगेटिव 2, फिर 3, नेगेटिव 3, एंड सो ऑन. तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है. तो इससे बचने के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ. तो उस ट्रिक में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. आपको करना क्या है? हाँ देखिए, आपको करना क्या है? सो राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल दीज टर्म्स. तो फर्स्ट कोएफिशिएंट इज 1, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, देन -23 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन +142 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म. एंड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 0. देखिए ना, 1 प्लस 142, 143, एंड देन -23 एंड -120, -143. तो ये हो जाएगा 0. अभी ये 0 आया है, इसका मतलब x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x. अभी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो उसके फैक्टर्स कितने होंगे? 3. उसमें से ये एक फैक्टर है. अभी हमें और निकालना है 2, तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसको वीडियो को पॉज करके या इसको लिख लेना. तो अभी x माइनस 1 ये एक फैक्टर हो गया, फिर मैं यहाँ साइड में लिखती हूँ x माइनस 1 ये फैक्टर है. अभी देखिए, ये जो p ऑफ x है इसमें
हम ऐसे रीअरेंज करेंगे कि हमें x माइनस वन ये कॉमन मिल सके। ओके, अभी आप देखिए फिर आपको पता चलेगा। तो मैंने फर्स्ट टर्म ऐसे ही रखी है x क्यूब, जनरली फर्स्ट टर्म हम ऐसे रखते हैं। अभी ये सेकंड टर्म में मैं थोड़ी एडजस्टमेंट करती हूँ, उसको स्प्लिट करती हूँ। किस तरह से स्प्लिट करती हूँ कि मुझे फर्स्ट टू टर्म से x माइनस वन मिल जाए। तो देखिए मैं ये माइनस 23x स्क्वायर को लिखूंगी माइनस x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर। देखिए वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, वो 20 माइनस 23 ही है। ओके, मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये देखिए यहाँ फर्स्ट टू टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे ना, ऐसे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहेगा एक्स माइनस वन। तो ये एक्स माइनस वन मुझे सभी टर्म में लाना है, सभी इसमें लाना है। तो इस तरह से मैं इसको रीअरेंज करने वाली हूँ। तो ये सेकंड टर्म को मैंने स्प्लिट किया ऐसे। अभी टर्म है थर्ड टर्म की। अभी देखिए थर्ड टर्म में यहाँ 22 चाहिए। ओके, यहाँ 22 चाहिए। ओके, होती है गलती, तो यहाँ 22 चाहिए, इसकी वैल्यू है 23। ओके, अभी थर्ड टर्म को मैं स्प्लिट करने वाली हूँ, लेकिन कैसे स्प्लिट करूँगी, उसमें 22 आना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस 22x प्लस क्या लिख सकती हूँ 120x। देखिए इसकी वैल्यू है 142x, है ना। तो उसको स्प्लिट करने में मैंने 22 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 22 है। तो यहाँ 22 है, तो मैं देखिए इस टर्म से मैं आराम से 22 निगेटिव 22 बाहर निकाल सकती हूँ, और अंदर x भी निकलता है। देखिए ना ये x स्क्वायर और x, तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ से रहेगा x और माइनस 1, क्योंकि ये पूरे 22x टर्म बाहर आ गई है और माइनस साइन बाहर आ गया है, इसलिए ये माइनस 1। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड टर्म को हमने स्प्लिट किया, थर्ड टर्म को स्प्लिट किया, और लास्ट कांस्टेंट टर्म को मैंने ऐसे ही रखा, क्योंकि यहाँ 120 आया था और मुझे 120 ही चाहिए। ओके, तो इसमें से मुझे कांस्टेंट कॉमन मिलेगा 120, और ब्रैकेट में रहेगा x माइनस वन। देखिए तो इस तरह से सिर्फ x माइनस वन लाने के लिए मैंने सेकंड टर्म को स्प्लिट किया, बाद में थर्ड टर्म को स्प्लिट किया, और फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म को ऐसे रखा। तो अभी नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए x माइनस वन, तो ये हो गया x माइनस वन कॉमन, और यहाँ से रह गया x स्क्वायर माइनस 22x एंड प्लस 120। ओके, अभी मैंने यहाँ पे x माइनस वन ही क्यों लिया, क्योंकि x माइनस वन ये फर्स्ट फैक्टर था। अब क्या करेंगे, x माइनस वन तो ये फैक्टर है, वी कैन फाइंड फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। ओके, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसके फैक्टर में डायरेक्ट निकल रही हूँ, 10 आएगा और यहाँ पे x माइनस 12 आएगा। ओके, निगेटिव 10 निगेटिव 12, ये इसके एडिशन, ओके करेक्ट है। तो इस तरह से ये p ऑफ x जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसके ऐसे 3 फैक्टर्स निकल गए। तो ये है वो ट्रिक। तो ये ट्रिक आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको समझ में आया ना, ये 23x स्क्वायर को मैंने ऐसे स्प्लिट क्यों किया, x स्क्वायर माइनस 22x, क्योंकि मुझे इस फर्स्ट टर्म से x माइनस 1 को निकालना था। तो इस तरह से मैंने सेकंड टर्म को स्प्लिट किया और थर्ड टर्म को स्प्लिट किया। ओके,